तो यहाँ मैं अम्मू को पढ़ाने आ गई हूँ, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଏବାଉଟ୍ ଦ ମାଉସ୍, ମାଉସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଦୁଧ ଲେ ଆଇଥି, ଦୁଧ ୟହାଁ ଚଢ଼ାତି। आई थी, थोड़ा काम था बाहर, मार्केट गई थी, बेटा का फीस भरने गई थी, फिर उनका बैंक में भरते हैं, उसको भर के बड़ा बेटा का आदि का अम्मू का कल जाकर स्कूल में भर्ती थी, आदि का आज भर्ती। तो अभी थोड़ा बैठी हूँ, थोड़ा हस्बैंड काम में गए हैं तो यहाँ पे बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो दुनिया भर का काम है, आगे सब काम को आने वाला है, तो उसके लिए दुनिया भर का इधर उधर भागा दौड़ी करना पड़ रहा है। बताऊँगी, बहुत ही जल्दी बताऊँगी आप लोग को। तो मेरा फैमिली है तो आप लोग मैं बताऊँगी जरूर। तो यहाँ मैं बैठ के खा रही हूँ कुछ, क्या करूँगी वो लोग खा में गए हैं, तो थोड़ा गाड़ी रख के यहाँ पर बैठे हैं। तो मैंने रही हूँ जो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे इंस्टा फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो जाके देखिए। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, काम सब खत्म हो गया, बर्तन वर्तन हो गया, खाना पीना हो गया, पहले अंडा करी और चावल बनाए थे, बहुत लेट हो गया, वहाँ से आते थे बहुत ही लेट हो गया, तो आके तुरंत मम्मी चावल चढ़ा दी थी और आलू बॉयल कर दी थी, मैं आके अंडा रोल की और सब्जी बनाई और आलू का भरता भी बनाई थी, बैंगन का भरता बनाई थी, उनको मम्मी अंडा नहीं खाती तो उनके लिए बनाई थी, और दाल में रखा हुआ था फ्रिज में तो उसको गर्म कर दी, अम्मा खा ली। आज दिन भर बहुत भागा दे दिन हो गया, फिर 5 बजे भी जाना है, थोड़ा काम है दुकान, तो बने रही है वीडियो में। तो दूध ले आई थी, दूध यहाँ चढ़ा थी और यहाँ आटा गूंद के रखी हूँ, और अंडा का देखती हूँ, अंडा भुजिया का सब्जी बना दूँगी करी, और सादा में कुछ दूसरा बना दूँगी, और यही सब। तो शाम को गई थी कुछ सामान लाना था, तो दुकान है राशन दुकान, तो आलू प्याज भी लाना था तो नहीं था, तो बोली सुबह आने के लिए आलू प्याज के लिए, अभी दलिया लेके आई, पापा जो दलिया खाते खत्म हो गया तो दलिया लेके आई, और क्या लाई, गुड़ लाई, तेल लेके आई, और कुछ हल्दी लेके आई हूँ, क्योंकि अभी अगले सूख काम होने वाला, उसमें हल्दी बहुत ज़रूरी है, गोटा हुई सूखा वाला उसको लेके आई हूँ, उसको पिसवाने देंगे, वही वाला यूज होगा पूजा में और ये में, तो ये सब लेके आई थाली के लिए। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ आ रहा है, एक एक चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो सुबह भी गए थे, दो तीन लोग काम था उसको ख़त्म करके आए, और होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा, अभी तो टाइम है होने के लिए, टाइम है, तो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, एक एक टो करने से हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे रोटी, रोटी पहले बनाएंगे उसके बाद सब्जी बनाएंगे। रोटी पहले, ज़्यादा रोटी है तो रोटी पहले बना लेंगे। तो टी वी चल रहे हैं तो साउंड हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मम्मी लोग सीरियल देख रहे हैं, अभी शाम को देखते हैं 9 बजे तक। उड़िया हम लोग का अपना लैंग्वेज में सबसे हिल आता है, तो सब देखते हैं देख के 6 बजे 6:30 बजे से फिर पापा को ट्राई देता है, एज हो गया है तो इसीलिए थोड़ा शाम ज़्यादा देख के दिखते हैं।
चढ़ा हुआ है और इधर मैं बना रही हूँ रोटी दूसरे साइड में रोटी बना दूंगी। उसके बाद अंडा लेके आया हूँ, अंडा का भुजिया वाला सब्जी के ऑमलेट वाला सब्जी बना दूँगी। सोच रहा हूँ ऑमलेट बना के बना दूँ, तो चार अंडे हैं तो भुजिया फटेगा नहीं, तो ऑमलेट बना के उसको बना दूँगी सब्जी। आटा लग गया है, आटा में रोटी बनने से लग जाता है, वही सब चल रहा है। काम कभी खत्म नहीं हो रहा है, काम खत्म ही नहीं होता है कभी। रात तो मेरा रोज रात 12 बज जाता है, कभी खत्म होते होते 12-12:30 बज जाता है। फिर सुबह उठो 5 बजे से, फिर बच्चे लोग को रेडी करो, इधर स्कूल जिसको वही टाइमिंग होता है, क्या करें, करना तो पड़ेगा, नहीं तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाएंगे। अब उनका एग्जाम चल रहा है, कल कंप्यूटर है, जी वी एस था कल कंप्यूटर है, फिर उसका 2-3 दिन गैप है, उसके बाद फिर उसका आदि का 20 से शुरू हो रहा है, उसका पहले हिंदी है, उसको भी थोड़ा देखूंगी मैं। कल उसका छुट्टी है, कल उसको लेकर बैठूंगी मैं। हिंदी थोड़ा कमजोर है, वो हिंदी में लोग होता है पर इतना अच्छे से नहीं होता हिंदी, तो उसको थोड़ा एक बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ ना नहीं पढ़ा है तो बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, आपको देखना पड़ेगा। जितना भी ट्यूशन ले लो, जितना भी स्कूल में जितना पढ़ाई हो, ना नहीं देखेंगे तो बच्चे लोग कुछ नहीं करेंगे। तो वही है, तो उसको कल से कल थोड़ा हिंदी उसको लेके बैठूंगी। मेरे को टाइम नहीं हो रहा है, अभी जो काम होने वाला है आगे उसके लिए भागा दौड़ी हो रहा है, तो थोड़ा 2-3 दिन अभी उसको मैं टाइम दूँगी, क्योंकि बच्चा मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, हिंदी खराब हो जाएगा उसका। फिर हरो इलाके घर में थोड़ा बोल लेता है, थोड़ा सा खराब होता है तो कुछ होता है लगता है, आके आगे इतना बड़ा लड़का हो गया फिर बोल करता है, क्या करूँ। तो यहाँ मैं अम्मू को पढ़ाने आ गई हूँ, थोड़ा सा पढ़ाऊँगी उसको, एक ही चैप्टर हुआ है और 2 चैप्टर बाकी है, तो उसको अभी कराऊँगी। उसका कल एक्चुअल कंप्यूटर है, तो उसको ये बुक कंप्यूटर पढ़ाऊँगी। तो अभी आ रहा है, बैठने के लिए कुछ लेके आ रहा है, तो बैठेगा यहाँ रोटी बनाते बनाते उसको पढ़ा दूँगी। तो उसको अभी हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। तो अगर लिखे लिख पाएगा कुछ, एक्चुअली बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं स्कूल में, उनका क्या करते ना, कोई क्वेश्चन पढ़ नहीं देता है, इतना छोटा छोटा बच्चा कहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज EBS में इसीलिए बहुत सारा मतलब गलत करके आया है, छोड़ के भी आया है, तो कोई बात नहीं, जो मार फेंकेगा, तो इसीलिए चलिए क्वेश्चन पढ़ देना चाहिए बच्चे, इतना छोटा बच्चा है उसका दिमाग में थोड़ा घुसता है क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, समझ नहीं पाते हैं तो छोड़ के आ जाते हैं लोग। तो आज एक्चुअली बहुत छोड़ के आया है, तो सुबह डांट रही थी उसको, फिर क्या करूँ, उसको कल भी मैं वही पढ़ाई थी, सुबह भी थोड़ा उसको पढ़ाई, फिर भी वो उसको याद नहीं रहा, याद था पर एक्चुअली वो क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, उसके चक्कर में लिखा नहीं है, नहीं तो उसको याद था। घर में जब जैसे मैं पूछी तुरंत तुरंत बोल रहा है फटाफट से, पर अगर क्वेश्चन कोई पढ़ देता तो वो बच्चा करके आता। तो इसीलिए स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास बच्चे लोग को क्वेश्चन पढ़ देना चाहिए, क्योंकि उतना समझ उनको है नहीं, आया नहीं है अभी तक, तो नहीं करते हैं। हम लोग के टाइम में तो करते थे, आजकल तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, अभी देखते हैं। स्कूल बोलेंगे जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे तो बोलेंगे जाके कि ऐसा कर कीजिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ दीजिए, समझा दीजिए, तब वो लोग लिख पाएंगे। बोलना पड़ेगा जाके पेरेंट्स मीटिंग में।
तो ये सब है। चलो चलिए हम उनको पढ़ाते हैं, थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ମୋର ଏବାଉଟ୍ ଦ ମାଉସ୍ ମାଉସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ମାଉସ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ ହେଲା। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ମେନି ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମାଉସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଇଟ୍ସ ମୁଭ୍ସ ଫ୍ରିଲି ଅନ୍ ଦ ମନିଟର ସ୍କ୍ରିନ୍। ଇଟ୍ସ ରିଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ମାଉସ୍ ହେଲା। ମାଉସ୍ଟା ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍, ତା ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବନି। ସେଟା ଯଦି ମାଉସ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବନି, କ୍ଲିକ୍ କରିହେବନି, କିଛି କରିହେବନି, ତ କିଛି ବି ଖୋଲିପାରିବନି ବିନା ମାଉସ୍ ହେଲା। ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫ୍ ଏ ମାଉସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କରେନି କି ଯେଉଁ ତୀରବାଲା ଚିହ୍ନ ଦେଖେ ମାଉସ୍ରେ, ସେଟା ପଏଣ୍ଟିଂ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍। ଆଇଟମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଥାଏ ମାଉସ୍ଠାରେ ଆଇଟମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ତୁମେ। ମାଉସ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଟ୍ ୱିଚ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ମାଉସ୍ ଟେଲ୍ ହେଲା। ରାଉଟ୍ ମାଉସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଥାଏ, କ'ଣଟା ଥାଏ, ତା'ର ତାରଟା ଥାଏ, ସେଇଟା ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ମାଉସ୍, ମାଉସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ମାଉସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟର ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍। ପଏଣ୍ଟରକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟର ମାନେ ତୀର ଚିହ୍ନ, ସେଇଟା ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଉସ୍ଟା ଦରକାର ହେଲା। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମାଉସ୍, ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମାଉସ୍। ମାଉସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାଉସ୍? ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଟୁ ବଟନ୍ ମାଉସ୍, ଟୁ ବଟନ୍ ମାଉସ୍, ଥ୍ରୀ ବଟନ୍ ମାଉସ୍, ଥ୍ରୀ ବଟନ୍ ମାଉସ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଉସ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ତାର ଥାଏ। ଥ୍ରୀ ବଟନ୍ ମାଉସ୍, ଟୁ ବଟନ୍ ମାଉସ୍ରେ ତାର ଲାଗିଛି, ତ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଉସ୍ରେ ତାର ନଥାଏ, ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଥ୍ରୀ ବଟନ୍ କେମିତି ହେବ? ଥ୍ରୀ ବଟନ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ପାଖରେ ଦୋକାନ ନେଇଗଲେ ତ ଦେଖିବ ହେଲା, ଦେଖାଇଦେବ। ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟର, ୱେନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ମାଉସ୍ ଅନ୍ ଏ ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍, ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏରୋ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଲ୍ସୋ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା। ୱେନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ମାଉସ୍ ଅନ୍ ଏ ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏରୋ, ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସ୍ଟାକୁ ମୁଭ୍ କରାଯାଏ, ସ୍ମଲ୍ ଏରୋ ଆସେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଏରୋ ଆସେ ନା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍, ସେଇଟା ମୁଭ୍ କରେ। ଦିସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏରୋ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଆଜ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟର, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଏଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ହାଉ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍, ମାଉସ୍ଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଧରିବ, ତ ମାଉସ୍ ଧରି ଆସେ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ ଗିଭିନ୍ ବିଲୋ, ପ୍ଲେସ୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଲେଫ୍ଟ ମାଉସ୍ ବଟନ୍ ହେଲା। ପ୍ଲେସ୍ ୟୋର୍ ପ୍ଲାମ୍ ଅନ୍ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉସ୍, ପ୍ଲେସ୍ ୟୋର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମାଉସ୍ ବଟନ୍, ଏମିତି ଧରୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିଥା। ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ୍ ମାଉସ୍ ବଟନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ଲିକ୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରେସିଂ ଦ ଲେଫ୍ଟ ମାଉସ୍ ବଟନ୍, ଲେଫ୍ଟ ମାଉସ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେବ, ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଂ ଦେଖୁଣ ଇଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କ୍ଲିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍, ଫଲୋ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଗିଭିନ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ଦ ମାଉସ୍, କେମିତି ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ାତେ ପଢ଼ାତେ ଆଳୁକୁ ବି କଟିଂ କରୁଙ୍ଗି, ଥୋଡ଼ା ସଫା ହେଇ ମୁଁ ଥୋଡ଼ା ଆଳୁ କଟିଂ କରିଦେଉଙ୍ଗି, ଫିର୍ ଉସକୁ ପଢ଼ାଉଙ୍ଗି। थोड़ा कर देंगे यहाँ पे, तो अंडा का ऑमलेट करके मैं सब्जी बनाऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा आलू डाल दूंगी तो हो जाएगा। चलिए, टेंशन होता है रात में क्या सब्जी बनाए, टेंशन होता है, नॉन वेज के दिन भी होता है, वेज के दिन भी होता है,
मछली वछली होता है तो मैं बना लेती हूँ, पर नहीं होता है जिस दिन मैं टेंशन रहता है कि रात में क्या बनाए। हर लेडीज़ का रहता है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा आप लोग को भी टेंशन होता है कि नहीं कि रात में क्या बनाए, सब्जी में क्या बनाया। रोज तो नहीं होता है पर कभी कभी हो जाता है कि रात में क्या बनाए। तुम सो गया है पर तू अभी सोएगा, पढ़ाई करेगा कि सोएगा? तू सो रहा है, पढ़ते पढ़ते ये पूरा चद्दर वद्दर ओढ़ के सो रहा है, कैसे पढ़ाई करेगा ये लड़का, क्या लिखेगा क्या पता है। फेल हो, फेल हो जाएगा तू, ऐसे इतना तो गधा नहीं है जो तू फेल हो जाएगा है। मेरे को जितना पता है तू इतना गधा नहीं है जो फेल हो जाएगा, फेल तो नहीं होगा तू। तो अभी आलू छिलना हो गया तो काट दूंगी, अभी उसके बाद बनाऊंगी जाके ऑमलेट का सब्जी, तो बना रही है वीडियो में। तो अभी थोड़ा हमको मैं पढ़ा रही हूँ, तो कल उसका कंप्यूटर है तो थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। ये पूरा नींद में वो आ गया है और थोड़ा दो चैप्टर है उसको थोड़ा करवा देती हूँ, उसके बाद उसको छोड़ दूँगी, छोएगा फिर उठा कर उसको खिलाऊँगी। रोज का है फिर वो जल्दी सो जाता है, 9 बजते उसको नींद आ जाता है तो सो जाता है, फिर मैं उसको खाना बनाने के बाद फिर उसको उठा के खिलाती हूँ। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स पे जाके देखिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलिएगा, और कल के वीडियो में मिलती हूँ। गुड बाय, गुड नाइट, जय जगन्नाथ।